इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ रही है, 10वीं 12वीं के छात्रों की बोर्ड परीक्षा से जुड़ी हुई और साथ ही स्कूल कॉलेज बंद करने को लेकर सरकार का बड़ा फैसला यहां पर निकल कर आ चुका है। 11 महीने के बाद स्कूल कॉलेज खुले और इसी के साथ साथ छात्रों के बीच में कोरोना पाया गया। सबसे पहली जो खबर निकल कर आ रही है करनाल की तरफ से निकल कर आ रही है, जहाँ पर फिर से फूटा कोरोना का बम और यहाँ पर 22 स्कूल बच्चों के बीच में कोरोना पाया गया। 60 नए बड़े केस सामने निकल कर आए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है और छात्रों के बीच में कोरोना पाया जा रहा है, क्योंकि 11 महीने के बाद भी अगर स्कूल और कॉलेज खुलते हैं और तब भी यहाँ पर कोरोना केस सामने आ रहे हैं, तो ये बड़े दुख भरी कहानी है। अगर हम बात करें करनाल की तरफ से एक खबर निकल कर आ रही है, जहां पर 60 नए मामले सामने आए, जिसमें से 22 छात्रों को कोरोना पाया गया है। और इसके साथ साथ यहां पर जो 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र थे, इनके एक प्रैक्टिकल एग्जाम लिया जा रहा था स्कूल के टीचरों की तरफ से, जहां पर छात्रों को कोरोना हो रहा है। इसके ऊपर सरकार ने यहाँ पर शिक्षा मंत्रालय एक बड़ा फैसला ले रहा है, जिसको यहाँ पर आप सभी के लिए सही रहेगा, क्योंकि दोबारा से लॉकडाउन लगाया जा रहा है और यहाँ पर छात्रों को जो एग्जाम होंगे वो इस बार ऑनलाइन लिए जा सकते हैं। इसके ऊपर शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक बड़ा फैसला लिया जाएगा कि आप लोगों के जो एग्जाम है वो इस बार ऐसा नहीं है कि आपके पहले की तरह, इस बार ऐसा नहीं होगा कि पहले की तरह आपके एग्जाम स्कूल में होंगे, बट इस बार जो एग्जाम होने वाले हैं आपके ऑनलाइन होंगे। और पिछली बार जो एग्जाम हुए थे छात्रों के, कुछ एग्जाम हुए थे जो आपके स्कूल में हुए थे और उसी के बेस पे छात्रों को पास किया गया था। हरियाणा के अंदर भी काफी राज्य हैं जिनके अंदर किया गया था, बट इस बार जो सरकार ने फैसला लिया है कि आपका जो एग्जाम हो सकते हैं ऑनलाइन भी आपके एग्जाम हो सकते हैं, अभी फैसला नहीं लिया जा सकता है, इसके ऊपर एक शिक्षा मंत्रालय द्वारा मीटिंग रखी जाएगी। फिलहाल तो यही अपडेट था, क्योंकि छात्रों के बीच कोरोना पाया जा रहा है और स्कूल और कॉलेज द्वारा बंद किए जा रहे हैं, तो आपके जो एग्जाम है इस बार ऑनलाइन लिए जा सकते हैं। तो अगर आपके ऑनलाइन एग्जाम हो जाते हैं तो सभी छात्र इजीली पास हो जाएंगे। फिलहाल यही अपडेट है। अगर आपको ये अपडेट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए आप कौन से राज्य हैं, ताकि वहाँ का कोई भी अपडेट आए आप तक पहुँचा दिया जा सके। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।